चलो. सो कल हम लोगों ने क्या क्या देखा था? देर वॉज अ फॉर्मूला फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. वट वॉज दैट फॉर्मूला? एक स्मॉल रीकैप. वन अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन सिग्मा रूट ऑफ टू पाई, है ना, ई रेज टू माइनस वन बाई टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था. और क्या देखा था अपन ने? यस, फिर मैंने एक्स के वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके जेड के वैल्यूज बताए थे. मतलब एक्स एंड जेड के बीच में कुछ रिलेशन बताया था मैंने. एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट? जेड. फिर मैंने जेड के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक्स का वैल्यू फाइंड आउट किया था, है ना. जैसे कि जेड इज इक्वल टू वन है तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा? म्यू प्लस सिग्मा. जेड इज इक्वल टू टू है तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा? म्यू प्लस टू सिग्मा, है ना. ऐसे वैल्यूज अपन ने फाइंड आउट किए थे. तो ग्राफ भी मैंने बताया था तुम लोगों को, जो कि पेज नंबर 252 पे है नोट्स में. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट. अब आते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोबेबिलिटी के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं. ये क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है. इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं. जो अपना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था और जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन था, दैट वॉज योर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. एंड दिस इज योर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. व्हाई देयर इज अ डिफरेंस? बिकॉज वो जो दोनों थे वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन थे, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है? कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है ना. तो इस वजह से वर्डिंग में डिफरेंट है और कुछ नहीं है. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन? देखो, अभी कर्व इज व्हाट? कर्व इज लाइक दिस. इस कर्व को दो नाम बताए थे मैंने. कौन से नाम बताए थे मैंने? दो नाम बताइए. थियोरी में पूछते हैं, दो नाम बताए थे मैंने इस पर्टिकुलर कर्व के. दो नाम बताए थे मैंने, बताओ विच टू नेम्स? बेल शेप्ड कर्व और गॉशियन कर्व, है ना. बेल शेप्ड कर्व एंड गॉशियन कर्व. अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये लाइन को अपन क्या बोलते थे? इसके दो नाम थे यहाँ पे भी, एक्स माइनस म्यू एंड एक्स इज इक्वल टू म्यू एंड जेड इज इक्वल टू जीरो. ये उसके दो नाम थे, है ना. तो एक्स इज इक्वल टू म्यू एंड जेड इज इक्वल टू जीरो. इसके इस लाइन के अबाउट ये जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ क्या है? सिमेट्रिक है. दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट व्हाट? एक्स इज इक्वल टू म्यू एंड जेड इज इक्वल टू जीरो. ओके, मतलब ये जो लाइन है इस पर्टिकुलर ग्राफ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. ठीक है, तो ये जो रीजन है, ये रीजन और ये एक रीजन, ये हो गए उसके दो हाफ रीजन्स. ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है? वन. सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज व्हाट? वन. तो यहाँ पे तुम्हारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व. इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट व्हाट? एरिया अंडर कर्व. ठीक है, सो जब भी तुम एरिया फाइंड आउट करोगे यू विल गेट दी प्रोबेबिलिटी, और एल्स वेन एवर यू वॉन्ट टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी यू गो फॉर दी एरिया. ठीक है, तो अब मान के चलो, सपोज मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन म्यू, कौन बताएगा मुझे क्या होता है? टोटल प्रोबेबिलिटी वन होती है. टोटल प्रोबेबिलिटी इज वॉट? वन. बताओ फिर पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन म्यू क्या होगा? मतलब आधा रीजन, इस रीजन. बताओ किस? हाँ करेक्ट. टोटल कितना है? वन. तो ये आधा पार्ट हो गया ना इसका. दिस लाइन डिवाइड्स द कंप्लीट कर्व इनटू इक्वल पार्ट्स. तो ये क्या हो गया? आधा पार्ट हो गया. तो ये पूरा एरिया वन है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? टोटल वन होती है. तो ये आधा पार्ट क्या हो जाएगा? हाफ. ठीक है, सो दिस इज व्हाट? हाफ. या फिर अगर मैंने जेड के टर्म्स में बोला तो जेड ग्रेटर देन जीरो क्या हो जाएगा? हाफ. एक्स ग्रेटर देन म्यू इज नथिंग बट जेड ग्रेटर देन वन. तो म्यू बोलो या फिर जेड बोलो, अगर जेड बोलना है तो जीरो बोलना है, एंड म्यू आई मीन एक्स बोलना है तो म्यू बोलना है. मतलब दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स इज इक्वल टू म्यू लाइन एंड जेड इज इक्वल टू जीरो लाइन. ओके, तो कितना हो गया फिर ये? हाँ. ऑल राइट,
ओके सो एक्स ग्रेटर देन म्यू इज हाफ एंड जेड ग्रेटर देन जीरो इज व्हाट हाफ. वैसे ही लेस देन वाला पार्ट होगा. इफ आई वांट टू से पी ऑफ एक्स लेस देन म्यू व्हाट इज दैट अगेन इट इज हाफ. क्यों? क्योंकि ये आधा पार्ट है ना. लेस देन म्यू मतलब ये आधा पार्ट हो गया. अगर मुझे बोलना है जेड लेस देन जीरो अगेन ये क्या है आधा पार्ट. अगेन इट इज व्हाट हाफ. अंडरस्टूड? ओके पक्का. ओके सो तुम इसमें भी देख सकते हो नोट्स में भी देख सकते हो क्या बोला उन्होंने. फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी और प्रोपोर्शन और परसेंटेज. अभी प्रोबेबिलिटी अलग अलग टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है ना. प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन चांस परसेंटेज. अगर मुझे इसको परसेंटेज में बोलना है तो क्या बोलूंगी 50% है ना. सो अगर मुझे इसको परसेंटेज में बोलना है तो व्हाट आई विल से 50% व्हाट आई विल से 50% व्हाट आई विल से 50% व्हाट आई विल से 50%. ठीक है अंडरस्टूड. नेक्स्ट. क्योंकि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज कितना होता है 1 होता है. 50% एरिया वो अभी दिख रहा है पता नहीं विजिबल है नहीं तुम्हारे इसमें वो जो ग्राफ में लिखा हुआ है विजिबल है क्या? नहीं ना. वहां पे हमने लिखा है 50% एरिया मतलब ये जो है ये जो पार्ट है दिस इज 50% एरिया दिस इज 50% एरिया. टोटल प्रोबेबिलिटी 1 मतलब टोटल इज 100%. ये हो गया 50% 50%. इफ आई वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन आई विल राइट इट एज 0.5 and 0.5. ठीक है अगर फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखना है तो. तो सिंस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू म्यू और z इज इक्वल टू जीरो लाइन डिवाइड्स कर्व्स इन टू हाफ्स है ना. तो ये जो कर्व है दो हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया. ठीक है एरिया ऑफ इच हाफ इज व्हाट 50% दैट इज 0.5. ठीक है एरिया बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू जीरो एरिया बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू जीरो. सी व्हेनेवर आई विल बी सेइंग लेस देन जीरो लेस देन जीरो मतलब जीरो से कम. तो जीरो से कितना कम जीरो से कम पता नहीं कितना कम. सो जब भी अपन बोलेंगे लेस देन जीरो दैट मीन्स इट इज माइनस इंफिनिटी टू जीरो that means it is minus infinity to zero. So this is minus infinity to zero. तो कभी कभी वो तुम लोगों को ऐसा नहीं बोलेंगे कि what is probability when z is less than zero. कभी कभी वो क्या पूछेंगे what is probability when z is minus infinity to zero. So in that case also probability is what half or 50%. अब यहाँ पे उल्टा बोलेंगे यहाँ पे क्या बोलेंगे zero to infinity. जीरो टू इनफिनिटी पता नहीं ना कहां तक है. ये कर्व नेवर एंडिंग है कभी टच नहीं करता ये एक्स एक्सिस को. हमने कल देखा था ये कर्व जो है कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता. इस वजह से अपन उसको क्या बोलते हैं एसिम्प्टोट बोलते हैं. ठीक है वो दिया हुआ है नोट मैंने पेज नंबर 352 पे वो वर्ड दिया हुआ है एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व नीचे. देखा सो जेड ग्रेटर देन जीरो मीन्स व्हाट जीरो टू इनफिनिटी. ठीक है जीरो टू व्हाट इनफिनिटी. सो क्या क्या देखा अपन ने अभी एक शॉर्ट रीकैप. टोटल कर्व का एरिया इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी. अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है तो तुम एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करो है ना. अगर एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू व्हाट प्रोबेबिलिटी. ओके एक काम कर कर्टन बंद कर दो विजिबिलिटी अजून चांगली होगी. मागे कुठेतरी अडकला असेल ते. ठीक आहे राहू दे. सो क्या लेखा फिर अपन ने. अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो आई विल फाइंड आउट द एरिया अंडर कर्व. ओके तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है. इस वजह से टोटल एरिया भी कितना होगा 1 होगा. Since this x is equal to mu line and z is equal to zero line, उस curve को दो equal parts में divide करती है. यहाँ पे गया 50%, यहाँ पे गया 50%. अगर total 1 है, तो यहाँ पे गया 0.5, यहाँ पे गया 0.5. Okay? So minus infinity to zero, मतलब probability कितनी होती है? Half. Zero to infinity, probability कितनी होती है? Half. Understood? Okay? यहाँ तक clear है सब कुछ. अब next. अभी जैसे कि मैंने बोला था कि अपन पिछले मतलब पिछले क्लास में मैंने ये चीज बताई थी. क्या बताया था मैंने पिछले क्लास में कि जो एक्चुअल तुम्हारा एक्स है
उसको अपन स्टैंडर्डाइज करते हैं, वी कन्वर्ट दैट इनटू जेड बाय सब्स्टिट्यूटिंग व्हाट, बाय सब्स्टिट्यूटिंग म्यू इज इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा इज इक्वल टू वन. ये चीज मैंने लास्ट क्लास में बताई थी. एक्स इज कन्वर्टेड इनटू जेड, दैट मींस योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज स्टैंडर्डाइज्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग म्यू इज इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा इज इक्वल टू वन. अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट. अब आते हैं नोट थ्री पे. क्या है वो प्रोबेबिलिटी? जीरो. ओके, जीरो टू ए के बीच में मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, सिंस योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज सिमेट्रिक, योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज व्हाट? सिमेट्रिक. जीरो टू ए इज ए कुछ पॉइंट है. ओके, कुछ तो भी पॉइंट है. ये जेड इज इक्वल टू जीरो लाइन है. जेड इज इक्वल टू जीरो टू जेड इज इक्वल टू ए, मतलब ये रीजन हो गया इसका एरिया, मतलब प्रोबेबिलिटी है ना. एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू व्हाट? प्रोबेबिलिटी. तो जेड इज इक्वल टू जीरो टू जेड इज इक्वल टू ए, ये जो एरिया है दिस एरिया विल गिव मी व्हाट? प्रोबेबिलिटी. ठीक है. अब सिंस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज सिमेट्रिक, व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिक? जैसा भी वो राइट हैंड साइड में है वैसा ही लेफ्ट हैंड साइड में है, दैट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? एग्जैक्ट उसका इमेज, जेड इज इक्वल टू माइनस ए, है ना. तो ये एरिया मतलब इसका रिफ्लेक्शन क्या है? माइनस ए. तो ये एरिया और ये एरिया क्या हो जाएगा? सेम. क्यों ऐसा? क्योंकि कर्व इज व्हाट? सिमेट्रिक. सो रिमेंबर दिस थिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लाइंग बिटवीन 0 टू ए इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लाइंग बिटवीन माइनस ए टू जीरो. ओके, सो यहाँ पे जो भी प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे जो भी एरिया होगा वही यहाँ पे होगा, और दोनों एरियाज क्या होंगे? इक्वल होंगे. क्यों इक्वल होंगे? सिमेट्रिक कर्व. ठीक है, अंडरस्टूड? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं. फिर ये हो गया पहला नोट. अब दूसरा, इफ आई वांट टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज इक्वल टू ए. रेंज है क्या? अभी रेंज नहीं है. ये क्या था? रेंज था. जीरो टू ए, दिस वॉज वॉट? रेंज. ये रेंज है क्या? दिस इज नॉट रेंज. तो ये कर्व है मान के चलो जेड इज इक्वल टू ए, है ना. ये लाइन है. लाइन का कोई एरिया होता है क्या? देर इज नो एरिया फॉर लाइन. इट इज जस्ट लेंथ. देर इज नो एरिया. सो जेड इज इक्वल टू ए रिप्रेजेंट्स लाइन एंड लाइन हैज नो एरिया. Therefore, probability of z is equal to a is what? Zero. Probability of z is equal to a is what? Zero. Understood? Okay. क्योंकि लाइन का कोई एरिया नहीं होता है, तो हमेशा यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखो कि जब तुम बोल रहे हो p of z less than a, it is nothing but p of z less than और इक्वल टू ए. दोनों का मीनिंग सेम होता है. वैसे हम पहले नहीं करते थे, डिस्क्रीट में हम ऐसा नहीं करते थे. डिस्क्रीट में हम क्या करते थे? P of, suppose मैंने बोला x less than 1, तो वहां पे सिर्फ क्या आता था? P of 0 आता था. और P of x less than और equal to 1 बोला तो वहां पे P of 0 and P of 1 दोनों आते थे. लेकिन यहाँ पे वैसे सिचुएशन नहीं है, बिकॉज इन दिस केस योर प्रोबेबिलिटी इज वॉट? एरिया. And equal to के लिए कोई एरिया नहीं होता है. That is why this probability and this probability both are same. समझ में आई बात? Okay, पक्का? आगे बढ़ते हैं फिर अब. So देखो, मैंने बोला है यहाँ पे p of z greater than or equal to a is nothing but p of z greater than a. है ना? P of z greater than or equal to a is nothing but what? P of z greater than a. Understood? Okay.
सो यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम समझ में आया सब कुछ? ओके अब आते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? क्यूमुलेटिव का मीनिंग होता है कलेक्टिव. क्यूमुलेटिव का मीनिंग होता है कलेक्टिव. जैसे कि मान के चलो ओके ठीक है सपोज चलो ध्यान दो पहले यहाँ पे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ. क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ या फिर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों में से कुछ तो भी एक. देखो हमारे पास दो चीजें हैं, एक होता है जेड के टर्म्स में, एक होता है एक्स के टर्म्स में. तो जो भी जेड के टर्म्स में है ना उसके लिए अपन यूज करते हैं फाई. तो फाई जो यूज किया जाता है दैट इज फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. फाई जो यूज किया जाता है दैट इज फॉर व्हाट? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. एंड ये जो है वो अपना रेगुलर वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. रेगुलर वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? एक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? जेड में रिप्रेजेंट. अंडरस्टूड? ओके ठीक है ना. सो ये तुम्हारा अकाउंट्स कब है अभी इसके बाद कितने बजे? को वैसे मैथ्स था ना आज. साढ़े बारह तक है ठीक है ओके. तुम्हारा कुछ तो बीच में बहुत गैप हो गया ना अभी, ब्रेक बहुत बड़ा हो गया शायद. सो अभी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब क्या है ध्यान दो अभी. कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज व्हाट? एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स. अब इसका मीनिंग क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स इज इक्वल टू म्यू. एफ जो है दिस इज योर एक्स, या फिर ए लेते हैं अपन ठीक है, ए से समझ में आ जाएगा तुम लोगों को. ये ए है. अब जब भी मैं कैपिटल एफ ऑफ ए बोलती हूँ ना उसका इनबिल्ट मीनिंग होता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट लेस देन ए वाला ए. क्या बोला मैंने? व्हेनेवर आई विल बी सेइंग कैपिटल एफ ऑफ ए उसका इनबिल्ट मीनिंग क्या होता है? एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू ए, मतलब ए के पहले वाला पूरा एरिया. कैपिटल एफ ऑफ ए मीन्स वॉट? दिस इज ए लाइन एंड इसके पहले वाला पूरा एरिया. आई एम नॉट सेइंग यहां से यहां तक, हमने यहां से यहां तक नहीं बोला है. मैंने क्या बोला? लेस देन ए वाला पूरा एरिया, मतलब पूरा प्रोबेबिलिटी. तो ये होता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. अभी मैंने फाई ऑफ ए बोला, मान के चलो फाई ऑफ ए का मीनिंग क्या होता है? ये ए है. फाई मतलब इट इज रिलेटेड टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब ये लाइन क्या हो गया? जेड इज इक्वल टू जीरो. तो व्हेनेवर आई विल बी सेइंग फाई ऑफ ए इट मींस दैट एफ ऑफ जेड लेस देन और इक्वल टू ए. तो इसका मतलब क्या हो गया? पूरा ए से पहले वाला एरिया, पूरा एरिया ए से पहले वाला एरिया ठीक है. सो दैट मींस व्हाट? इन दिस केस क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? जो पर्टिकुलर वैल्यू का क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसके पहले वाला पूरा रीजन. ओके जैसे कि मान के चलो सपोज मैंने बोला फाई ऑफ माइनस थ्री. What do you mean by that? This is your normal distribution curve. This is your minus 3 region. I mean minus 3 line. That is equal to minus 3 because it's 0, hai na? Ye minus 3 hoga. Phi of minus 3 matlab minus 3 se pehle wala pura area. Yaha pe nahi jana hai. Kahan pe jayenge? Apan peeche jayenge minus 3. So less than minus 3. It's not greater. Remember this thing.
सो नेगेटिव नंबर भी आया तो भी गलती नहीं करनी, अंडरस्टूड? यस, पक्का? क्यूम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है समझ में आया? ओके, ओके। अभी तुम लोगों को टेबल तो नहीं रहता तुम्हारे एग्जाम में, एक्चुअली टेबल से लिए मैंने वैल्यू, आगे वाले जो क्वेश्चंस है ना टाइप 11 एग्जांपल्स ऑन हाउ टू यूज टेबल वैल्यू और गिवन वैल्यू, तो पहले कैसे होता था टेबल देते थे, अभी टेबल नहीं देते वो लोग, तो आई गिव यू द टेबल वैल्यू डायरेक्टली, ठीक है? मेरे पास लिखा हुआ है, यू डोंट सर्च इन द टेबल, जस्ट तुम लोगों को टेबल पिछले बैच में मैंने दिया था टेबल, लेकिन जरूरत नहीं है टेबल में हैंडल करने की, तो ठीक है ओके, मैं डायरेक्टली वैल्यू दे देती हूँ तुम लोगों को। ओके, तो देखो फिर अभी क्या बोला है उन्होंने टाइप 11 में, पूछा क्या उन्होंने, फाई ऑफ 1.5, बोलो ये जेड का है या एक्स का है? जेड, बिकॉज इट इज फाई, सो इट इज रिलेटेड टू व्हाट, जेड। तो यस, क्या लिखोगे फिर इसका एक्सप्रेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक्स आगे लेस देन, करेक्ट, लेस देन और इक्वल टू 1.5, ये सिखाया था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि वो क्या होता है प्रोबेबिलिटी, ये एफ लिखा था मैंने बिकॉज इट इज फंक्शन, ठीक है। सो फाई ऑफ ए मतलब क्या है, जेड लेस देन और इक्वल टू ए होता है ना, यस, तो ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। ओके, दिस थिंग यू विल हैव टू फाइंड आउट। अभी तुम्हें जो दिया हुआ है वैल्यू दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये तुम्हें दिया हुआ है व्हिच इज 0.5, दिस इज गिवन टू यू, ये एग्जाम में दे देते हैं वो लोग, ठीक है, दिस इज गिवन टू यू। अब देखो जरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा है, ऐसा है 1.5, ये z से रिलेटेड है ना, z से रिलेटेड है, सो दिस इज z इज इक्वल टू 0, 1.5 राइट हैंड साइड में आएगा, कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है मुझे, लेस देन, है ना, क्या होगा फिर, z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 1.5, ये एरिया मुझे कितना दिया हुआ है 0.4332, मतलब मुझे ये जो एरिया है ये एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 1.5, ये एरिया कितना दिया हुआ है मुझे 0.433, लेकिन मुझे इतना एरिया नहीं फाइंड आउट करना, मुझे सिर्फ इतना फाइंड आउट करना है क्या, नहीं, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसके पीछे का पूरा, इसके पीछे का पूरा एरिया फाइंड आउट करना, तो क्या करोगे, करेक्ट, इतना एरिया क्या होता है, ये आधा एरिया क्या होता है, व्हाट इज दिस एरिया इज 0.5, कौन सा, इसके पीछे वाला आधा है ना, ये हाफ रीजन इज 0.5 एंड ये रीजन इज हाउ मच 0.4332, तो जब भी मैं बोलूंगी लेस देन 1.5 दैट मींस व्हाट, ये पूरा रीजन आ गया, तो ये पूरा रीजन मतलब क्या है 0.5 प्लस 4.3, सो क्या हो जाएगा फिर फाई ऑफ 1.5, 0.5 प्लस 0.4332 व्हिच कम्स आउट टू बी 0.9332, सो फाई नोटेशन जो है दैट इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एफ कैपिटल एफ रिलेशन जो है दैट इज रिलेटेड टू योर बेसिक जो स्टैंडर्डाइज नहीं है, और मीनिंग समझ में आया सीडीएफ का, सीडीएफ का मीनिंग क्या है, लेस देन, ठीक है। आगे एजल का हैंड रेज आया है, हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल, कोई
कुछ बोल रही है, नहीं नहीं समझ में आ रहा है कुछ बोल रही है कि? कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करना है, कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है एग्जैक्टली ये बताओ मुझे, कंफ्यूजन कहाँ पे है, टेल मी फर्स्ट, उस पे मैं फोकस करूंगी एग्जैक्टली कहाँ पे कंफ्यूजन है। ये वाला, दिस वन, दिस वन, कुछ नहीं है। फाइव माइनस थ्री मीन्स व्हाट? पी ऑफ एक्स, एक्स के जगह पे अपन थोड़ा स्पेसिफिकली जेड लिखते हैं, जेड लेस देन और इक्वल टू थ्री। इसका मीनिंग, इनबिल्ट मीनिंग ये होता है, इसका इनबिल्ट मीनिंग ये होता है, इसका इनबिल्ट मीनिंग ये होता है। मतलब phi of minus 3 बोला, इसका मतलब p of z less than or equal to minus 3, तो minus 3 यहाँ पे है, less than or equal to minus 3 मतलब ये रीजन हो गया। till z, z is equal to 0 तक शेड क्यों नहीं किया, is this your doubt? z is equal to 0 तक शेड, अरे वहां तक क्यों शेड करेंगे, लेस देन माइनस 3 है ना, लेस देन माइनस 3 है, लेस देन माइनस 3 आता क्या ये रीजन, ये रीजन लेस देन माइनस 3 थोड़ी ना आता है। इज दिस रीजन कम अंडर लेस देन माइनस 3 बोलो, नहीं ना, हमें क्या चाहिए, लेस देन माइनस 3, लेस देन माइनस 3 कहां पे जाएगा, ये वाला रीजन जाएगा ना, ये रीजन थोड़ी ना माइनस 3, लेस देन माइनस 3 में आता है, समझ रहे क्या? यस, समझ रहे क्या बोल रही हूँ एग्जैक्टली, बोलो बोलो जल्दी बोलो। ये रीजन क्यों शेयर करेंगे अपन, ये रीजन शेयर नहीं करेंगे ना, क्योंकि इट शुड बी लेस देन माइनस 3, सो लेस देन माइनस 3 मींस माइनस 3 से पहले, तो ये थोड़ी ना आता है उसमें, गेटिंग? हाँ, तो पहला क्वेश्चन समझ में आया, कोई डाउट नहीं उसमें? अगला pi of 2.23, चलो, और टेबल वैल्यू इज गिवन टू, टेबल वैल्यू मतलब तुम्हें ये दिया हुआ है z से लेके ये दिया हुआ है, बताओ जो एट दी सेम टाइम यू विल हैव टू कैलकुलेट, चलो थर्ड भी कैलकुलेट करो। अब थर्ड एंड फोर्थ के लिए जो भी सफिशियंट इन्फॉर्मेशन है दैट आई हैव गिवन टू यू ऑलरेडी, ओके, जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है थर्ड एंड फोर्थ के लिए वो भी मैंने तुम लोगों को दे दिया है, तो चलो ट्राई टू आंसर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑल।
चलो इतना आया, बताओ फर्स्ट का कैसे बनेगा ग्राफ। योर ग्राफ 2.23 विल बी योर जेड है ना, 5 मतलब लेस। ये रीजन हो गया, यहां से यहां तक का वैल्यू दिया हुआ है, देखो कितना दिया हुआ है, 0.487 दिया हुआ है। तो यहां से यहां तक का वैल्यू मुझे पता है 0.4871, और ये वाला वैल्यू मुझे पता है, ये आधा वैल्यू है ना, ये हाफ 0.5, कितना हो गया टोटल, करेक्ट 0.9871। समझ में आया इसका, करेक्ट। ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन, -1.5 इज दिस, ठीक है, और फाइव का मीनिंग क्या होता है, लेट लेस देन -1.5, सो विच रीजन विल कम, के जल्दी ध्यान दो, अभी लेस देन -1.5 ना, तो लेस देन -1.5 मतलब ये रीजन, ये क्या है, जेड इज इक्वल टू जीरो। एक इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है, मैंने ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ था उसका, 0.4332, ये वैल्यू जो है वो तुम्हारे पास है ऑलरेडी, कुछ वैल्यू दिस वैल्यू, कितना है ये वैल्यू, देखो तुम्हारे पास ये वैल्यू है, कौन सा वैल्यू है तुम्हारे पास, 0 to 1.5, कौन सा वैल्यू तुम्हारे पास, 0 to 1.5, ये वैल्यू तुम्हारे पास है, कितना, 0.4332। ये ग्राफ सिमेट्रिक होता है ना, सिमेट्रिक होता है मतलब यहां से यहां तक जो भी वैल्यू है सेम वैल्यू यहां से यहां तक होगा, है ना, तो ये वैल्यू कितना हो गया फिर, 0.4332, विच वैल्यू, दिस वैल्यू। मुझे कौन सा फाइंड आउट करना है, रीजन, विच रीजन आई वांट टू फाइंड आउट, आई वांट टू फाइंड आउट दिस ब्लैक रीजन, है ना, तो वो ब्लैक रीजन कैसे मिलेगा मुझे, 0.5 में से ये रेड रीजन सब्ट्रैक्ट कर दो, 0.5 मतलब क्या होता है, ये टोटल 0.5 है, ये टोटल आधा रीजन जो है वो क्या है, 0.5 है, ये टोटल आधा रीजन 0.5 में से रेड वाला रीजन सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट दिस ब्लैक रीजन, है ना, सो फाई ऑफ -1.5 is what, 0.5 minus this red wala region is what, 0.4332, kitna aaya fir 0.0668। dekh lo ek bar, kuch doubt hai kya yahan pe jo online mein, wo bhi is question mein kuch doubt hai kya, bolo, doubt hai to bolo, टेबल की जरूरत नहीं होगी, वैसे भी एग्जाम में टेबल नहीं देते हैं। और अगर समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन बताओ आंसर। ओके, बाकी लोग कुछ नहीं करना है बस, करेक्ट, पलक
वही तो मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, क्या बोला था मैंने नोट थ्री में, क्या बोला था मैंने नोट थ्री में, देखो यहाँ पे नोट थ्री या नोट टू ऐसे कुछ तो नहीं, नोट फोर था शायद ना, कहाँ पे बोला था मैंने ये चीज, सेम रहता है वैल्यू, कहीं पे तो बोला था ना मैंने, आने से पहले बताया था मैंने, हाँ देखो यहाँ पे बोला था, ठीक है ना, ये बोला था मैंने यहाँ पे. So these two values are what? Same. Since graph is what? Symmetric. अब यहाँ पे चलो फिर इसका आंसर बताओ. दो आंसर आए मेरे पास. चलो फास्ट. ओके चलो, तो ये ग्राफ है अपने पास. This is minus value, I mean negative value. ये phi है, मतलब हमें ये region find out करना है ना? तो हमारे पास एक information है, कौन सा information है हमारे पास? This 2.23. ये जो है, जितना ये होगा, उतना ही ये होगा. और वो कितना है फिर? कितना दिया मैंने? 0.4871. तो मुझे तो ब्लैक रीजन चाहिए. ब्लैक रीजन कैसे मिलेगा अपन को? टोटल 0.5 माइनस 0.487. 0.5 माइनस कितना है फिर? 0.0129. एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम है? अंडरस्टूड एवरीथिंग? फाई का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, फाई क्या होता है, लेस लेने का. ऐसे अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे. अब फिफ्थ में लेस नहीं लेना है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन 2.1 बोला है, ठीक है. और जो तुम्हारा वैल्यू है जीरो से जेड के बीच में, इट कम्स आउट टू बी 0.4821. चलो बताओ जल्दी. आया? ना आया? जीरो पॉइंट करेक्ट. बाकी लोग ठीक है. तो ग्रेटर देन 2.1 फाइंड आउट करना है ना हमें. तो ग्राफ देखो कैसा ग्राफ है अपना. ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है. जेड इज 2.1 ग्रेटर देन 2.1 ना, सो इट बिकम्स दिस. ग्रेटर बोला है ना उन्होंने, तो अभी फाई नहीं है, अभी ग्रेटर है. तो मतलब ये रीजन, तो ये रीजन कैसे मिलेगा? ये रीजन कितना है अपने पास? 0.4821. ये 0.4821 है, तो ये ब्लैक रीजन कितना होगा फिर? 0.5 माइनस 0.4821. ऐसा क्यों? क्योंकि ये टोटल कितना होता है? 0.5 होता है ना? तो 0.5 में से रेड रीजन माइनस करना पड़ेगा. 0.5 माइनस 0.4821 कम्स आउट टू 0.0179, ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.33. बताओ वो इक्वल टू का कुछ सिग्निफिकेंस है क्या? It represents line and line has no area, है ना? बताया था मैंने. और तुम लोगों को जो value दिया हुआ है, that is
0.4082. चलो ट्राई टू सॉल्व. कितना आया? 0.09. करेक्ट. सो ये रीजन टोटल अपना ये 1.33 है. जेड शुड बी ग्रेटर देन 1.33. तो ये टेबल वैल्यू माइनस कर देंगे फिर, मतलब ये जो वैल्यू है ये माइनस कर देंगे. 0.5 माइनस 0.4082 विच इज 0.0918. ठीक है. फिफ्थ फिफ्थ नहीं, कितना है ये, सेवेंथ ना. चलो अब इसका टेबल वैल्यू मैंने ऑलरेडी बता दिया है, चलो बताओ इसका आंसर. करेक्ट. चलो ऑनलाइन में कोई आंसर नहीं कर रहा है. आयुषा वेर आर यू? आयुषा आंसर नहीं कर रही है आज बिल्कुल. आंसर नहीं आ रहा आज तुम्हारी तरफ से. सो दिस इज योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. माइनस था ना वो शायद से, माइनस. तो ये माइनस. ग्रेटर मतलब क्या होगा, कौन सा साइड आएगा? राइट साइड. क्या करोगे फिर, ऐड करेंगे ना. आया ठीक है. नेक्स्ट इज हाँ जेड लेस देन 0.59. और तुम्हें वैल्यू दिया हुआ है ट्रिपल 24. चलो आया ऐड हो जाएगा. ये 0.59 है, उससे कम ना. ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, ऐड. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा. ठीक है, नाइन्थ प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन और इक्वल टू माइनस 1.58 वैल्यूज गिवन टू यू एज 0.4429.
9.94 ओके ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऐड ना, जेड लेस देन, ऐड करना पड़ेगा, माइनस 1.58 है ना, प्लस है क्या? अच्छा प्लस है ना, इस वजह से तो 0.5 प्लस 0.4429 ओके नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.25 सोचो अभी इस पे आंसर करो वैल्यूज दिए हुए हैं क्या है ना ये टॉपिक बहुत वास्ट है लेकिन इस पे कुछ ज्यादा पूछते भी नहीं है ये प्रॉब्लम है लेकिन सिलेबस में है तो हम बोल नहीं सकते कि इस पे पूछते नहीं है 1.25 का 0.3944 है चलो ट्राई टू सॉल्व दिस एफर्ट Try to solve this fast. बहुत आसान है नहीं 4046 नहीं आएगा Can anyone tell me? इसका आंसर आज ऑनलाइन में कुछ आंसर नहीं आ रहा है माइनस में नहीं आएगा आंसर माइनस क्या प्लस क्या क्या किया क्या देखो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे वन पॉइंट टू फाइव यहाँ पे आएगा करेक्ट 2.32 यहाँ पे आएगा करेक्ट तो 2.32 का टेबल वैल्यू जो है व्हाट इज दैट ये है ये क्या है 2.32 का टेबल वैल्यू और 1.25 का टेबल वैल्यू क्या है 1.25 का टेबल वैल्यू ये है और हमें क्या चाहिए हमें दोनों के बीच का एरिया चाहिए मतलब ये रीजन चाहिए पूरा रेड रीजन जो है दैट इज टेबल वैल्यू मतलब दिया हुआ वैल्यू जो है दैट इज 4898 जो भी रेड रीजन है कंप्लीट दैट इज 4898 जो येलो रीजन है दैट इज 1.25 हमें क्या चाहिए ब्लैक रीजन चाहिए कैसे मिलेगा फिर 0.4898 माइनस 0.394 व्हिच इज 0.0954 अंडरस्टूड ओके क्या किया था उल्टा उल्टा सब्ट्रैक्ट के लगा पूरा रेड है ना ये पूरा रेड जो है दैट इज 2.32 पूरा 1.25 जो है मतलब पूरा येलो जो है दैट इज 1.25 व्हाट वी वांट दिस ब्लैक रीजन
So what I'm going to do, I'm going to subtract this yellow from the red. Understood, na? Next. Probability that z greater than or equal to 2.32 and less than or equal to 3.15. एक table value तुम्हारे पास already दिया हुआ है पिछले वाले question में 3.2 का है ना तुम्हारे पास already. दूसरा जो है उसका table value ले लो equal to 1.35 का ना चलो ये क्या है अपना ग्राफ 3.15 यहां पे आता है 2.32 यहां पे आता है हमें ये वाला रीजन चाहिए है ना ये पूरा वैल्यू जो है ये हमें दिया हुआ है 0.4992 इसके बाद 2.32 का वैल्यू भी दिया हुआ है अपन को 0.4898 मतलब यहां से यहां तक 0.4898 हमें क्या चाहिए यहां से यहां तक और ये रीजन चाहिए मुझे क्या करेंगे सबट्रैक्ट तो 0.4992 माइनस 0.4898 कितना आया ये 0.69 दो वैल्यूज तुम लोगों को दिए हुए हैं 0 to 1.65 0.4505 एंड दूसरा जो वैल्यू दिया है ना वो थोड़ा सा अलग वे में दिया हुआ है विच इज phi of 0.69 इज गिवन टू यू विच इज 0.7549 ऐसे दिया हुआ है चलो सोचो जरा इस पे और मुझे एक्यूरेट आंसर बताओ कौन ये जिसको आएगा बोलूंगी ये टेबल का मतलब समझ गया सबको नहीं करेक्ट
वेरी गुड, परफेक्ट, एक आंसर आया मेरे पास ऑनलाइन में. यस आयुषा, आंसर नहीं आ रहा है क्या आज? नॉट गेटिंग द आंसर टुडे. नहीं, 3044 नहीं आएगा. गिवन इंफॉर्मेशन को ये ऐसे भी देते हैं, गिवन, ये गिवन में ऐसा भी देते हैं बोलो. इस वजह से मैंने एक यहाँ पे देते वक्त इंफॉर्मेशन ऐसे दिया है. हाँ और कोई? एक आंसर सही आया बस मेरे पास. चलो देखो फिर, पहले इस फाइ के हेल्प से अपन 0.69 का टेबल वैल्यू निकालते हैं, मतलब वैल्यू निकालते हैं उसका, फाइ ऑफ 0.69 से. 0.69 यहाँ पे है, हमें क्या दिया है इंफॉर्मेशन, हमें 0.69 मतलब क्या है? ओके, फाइ ऑफ 0.69 मतलब ये पूरा रीजन, सही है ना? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, फाइ मतलब उसके पहले का पूरा रीजन, और ये हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमें? 0.7549. इन विच रीजन वी आर इंटरेस्टेड? वी आर इंटरेस्टेड इन विच रीजन? हमें टेबल वैल्यू चाहिए ना उसका, तो हमें सिर्फ इतना वैल्यू चाहिए उसका, तो ये कितना होगा? 0.7549 माइनस 0.5. तो ये रेड रीजन कितना मिला मुझे? 0.7549 माइनस 0.5, व्हिच कम्स आउट टू बी 0.2549. अब ये 2549 कैसे मिला? 0.2549 कैसे मिला? P ऑफ z ग्रेटर देन 0 लेस देन 0.69 इज व्हाट? 0.2549. ये इंफॉर्मेशन मुझे मिल गए, अब इसको यूज करेंगे. समझ में आ रही ना बात, क्या किया है अपन ने यहाँ पे? पहले इस पाई के हेल्प से मैंने ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर दी. ठीक है, चलो अब बनाते हैं डायग्राम. ये क्या है? -1.65. ये क्या है? 0.69. दोनों के बीच में, मतलब ये रीजन मुझे चाहिए ना, तो 0 to 0.69 तो हमने फाइंड आउट कर लिया, विच इज दिस रीजन, विच इज 0.2549, मतलब ये रीजन है ना, यहां से यहां तक. फिर ये रीजन हमें फाइंड आउट करना है, दिया हुआ है ऑलरेडी उन्होंने, कितना है? 0.4505. टोटल करेंगे कितना है? 0.4505 प्लस 0.2549 कितना है? 9 and 5 14, दिस इज 5 5 and 5 10, 7 and 0. ऑल राइट, समझ में आया? कुछ प्रॉब्लम है इसमें तो बोलो. तो पहले फाइव जो गिवन है वहां से मैंने ये वैल्यू एक्सट्रैक्ट किया, ये वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस वैल्यू को यूज किया है ना यहाँ पे और यहाँ. कोई प्रॉब्लम अभी? अंडरस्टूड ना? चलो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे. नेक्स्ट, P of -1.33 less than or equal to z less than or equal to 2.23. 2.23 का जो वैल्यू है, P of 0 से लेके 2.23 तक, इट्स 0.0918, और इसका फाइ दिया हुआ है -1.33 का, टेक इट एज 10. ये दिया हुआ है, चलो ट्राई टू
सॉल्व। करेक्ट, गुड 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 गुड। डन आया उतना ही, 5, 7, 8, 9 करेक्ट है। सो यस, पहले इस 5 को इंटरप्रेट करते हैं, वहां से मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। दिस इज योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, दिस इज योर -1.33 लेस देन ना, मतलब ये रीजन आया। सो दिस टोटल, ये रीजन मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.0129, मुझे ये चाहिए ना, तो कैसे मिलेगा फिर अपन को ये 0.5, ये टोटल होता है, टोटल में से इतना माइनस कर देंगे, आया 0.4871 ना, ओके। तो ये रीजन मुझे मिल गया, मतलब यहां से यहां तक का प्रोबेबिलिटी मिल गया, विच इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से लेके 1.33 तक, 0.4871, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, दोनों को ऐड, ये है -1.33, ये 2.23, ये वैल्यू जो है दैट इज 0.4871 एंड ये वैल्यू जो है दैट इज 0.0918, 0.4871 प्लस 0.09, आया बताओ 9, 8, 17, 0, 5, 7, 8, 9, एनी डाउट, समझ में आया। अब हमें क्या करना है ना, अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में उन्होंने एरिया दिया हुआ है और हमें ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब वैसे तो देखा जाए तो तुम्हें ये बहुत सिंपल लगेगा, बट वहां पे पॉजिटिव निगेटिव का झोल होता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बट इसका एप्लीकेशन हमारे पास है, इसको अपन को यूज करना है, इस कॉन्सेप्ट को जो अपन अभी देखेंगे, ठीक है। इस वजह से ये आना जरूरी है। सो क्या है फिर अपने पास, p of z less than or equal to a is equal to 0.892, ठीक है। एंड तुम्हें और एक चीज दी हुई है, वो क्या है, तो 0. p of z to 1.24 is given to you, which is 0.3925. ओके, ये दिया हुआ है और तुम्हें पूछा है व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ ए, आस्क्ड यू व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ ए। तो देखो, अब वो जो ए है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दैट ए कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब ए का वैल्यू यहां पे भी आ सकता है या फिर यहां पे भी आ सकता है। So whenever they have said z less than a, अगर ये केस पॉसिबल है, z less than a मतलब ये रीजन हो जाएगा,
और अगर मैं इस केस के बारे में बात कर रही हूँ तो जेड लेस देन है मतलब ये रीजन हो जाएगा, करेक्ट। अब दोनों में से किसको चूज करना है, वाई सेकेंड नेगेटिव है एंड क्या बोल सकते हो तुम लोग कि इसका जो वैल्यू आएगा ना, ये जो वैल्यू आएगा ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी लेस देन 0.5। इन दिस केस p of z less than or equal to a is less than 0.5, and in this case p of z less than or equal to a is more than 0.5। और मुझे जो वैल्यू दिया है वो मोर देन 0.5 है, तो ये केस कैंसल्ड, ये केस पॉसिबल नहीं है, है ना, दिस केस इज नॉट पॉसिबल। तो मुझे इसको ही देखना है, फिर आई एम गोइंग टू चेक फॉर दिस। तो अगर इसको मैंने देखा तो उसका आंसर उन्होंने कितना दिया हुआ है, 0.892, मतलब ये पूरा प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.892। ओके, अब मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से मुझे 0 to 1.4 का वैल्यू दिया है, ओके, तो मैं भी 0 to a यही वैल्यू निकालूंगी, सो दैट आई कैन कंपेयर। तो 0.892 में से ये 0.5 गया, ये कितना है 0.5 है ना टोटल, तो 0.892 माइनस 0.5 कितना है, 0.392। तो मतलब ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू, कौन सा वैल्यू, ये जो रीजन है, दिस रीजन इज नथिंग बट 0.39। सही बात है, ओके, समझ में आया। तो फिर 0 to 1.24 इज 0.3925 एंड व्हाट आई हैव गॉट, 0 to a इज आल्सो 0.392। उन्होंने जो वैल्यू दिया है वो भी 0.3925 है, और मेरा जो वैल्यू आया है उसका भी प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.392 है। मतलब ये नंबर और ये नंबर मैच करना चाहिए, ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, मैच करने चाहिए। सो ए इज व्हाट, 1.24। अब तुम लोग बोलोगे कि एग्जाम में सपोज हमें ऐसे दिया और ये ऐसे दिया, हमारा आंसर तो 1.24 यही पे पता चलता है ना, लेकिन वो नेगेटिव भी तो हो सकता है ना, तो नेगेटिव 1.24 होगा या पॉजिटिव 1.24 होगा, ये अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे ये पता होना जरूरी। फिर से एक बार सब कुछ बताती हूँ मैं, देखो ध्यान दो, ये अपने पास है 0.892 और ये अपने पास, और हमें फाइंड आउट करना है कि ए क्या हो सकता है, ठीक है, व्हाट कुड बी दी ए। तो मैंने क्या किया, लेस देन ए बोला है ना, तो ए नेगेटिव भी हो सकता है एंड ए पॉजिटिव भी हो सकता है। तो नेगेटिव में अगर ए हुआ तो मेरा जो वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन 0.5, क्योंकि ये पूरा 0.5 है, उसमें से थोड़ा सा ही पार्ट नहीं है, वो 0.5 से छोटा होना चाहिए था, ये शेडेड रीजन है क्या 0.5 से छोटा, नहीं, ये हो गया कट। अगर ए पॉजिटिव होता है तो ये पूरा रीजन आ जाता है, फिर इट इज ग्रेटर देन 0.5 एंड माय गिवन प्रोबेबिलिटी इज आल्सो ग्रेटर देन 0.5, है ना, दैट मींस व्हाट, दिस थिंग आई एम गोइंग टू सिलेक्ट। तो ये मैंने सिलेक्ट किया, ये मैंने कैंसिल किया, इसको ऑपरेट करते हैं, टोटल कितना दिया हुआ है 0.892, उसमें से ये हो गया 0.5, उसको मैंने सबट्रैक्ट कर लिया, मुझे ये रीजन मिल गया, ये रीजन कितना मिला मुझे, 0.392। तो मतलब ये रीजन 0.392 मिला है एंड उन्होंने भी इसका वैल्यू कितना दिया, 0.392 दिया। तो अगर हम मैच करेंगे ये 0 to a 0.392, 0 to 1.24 0.392, मतलब a कितना हो गया 1.2, a is how much 1.24 and that too positive। समझ में आया, ओके, चले फिर आगे। चलो आगे अभी देखते हैं, और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है लोगों को,
चलो एक अलग इंफॉर्मेशन लेते हैं अभी इस बार. पाई ऑफ समझ में आ जाएगा तुम लोगों को आंसर तुरंत. Try to solve this. माइनस प्लस गुड माइनस आता है. चलो सो जेड लेस देन ए, दो केसेस है अपने पास, तो ए यहाँ पे हो सकता है या फिर ए यहाँ पे हो सकता है. लेस देन ए मतलब ये रीजन, लेस देन ए मतलब ये रीजन. ये तो ग्रेटर देन 0.5 होगा और ये जो है वो लेस देन 0.5 होगा. तो अपना आंसर जो है लेस देन 0.5 है, तो आई विल बी गोइंग विद दिस. ये जो है नहीं आएगा पिक्चर, ठीक है. तो यस, तो क्या है फिर अपना ये रीजन, दिस कंप्लीट थिंग इज हाउ मच 0.5, है ना. ये रीजन हमें दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 0.388. कंप्लीटली कितना है ये 0.5, 0.5 में से 0.888 चला गया, बचा सिर्फ ये, है ना. 0.5 में से 0.888 गया, कितना आया फिर ये 0.112, है ना. और मुझे क्या बोला उन्होंने, 0 से 0.28 तक का कितना है 0.112. और मुझे यहाँ पे भी पता चल रहा है कि z इक्वल टू 0 टू a के बीच में कितना आया है 0.111. मतलब मैच हो रहा है ना ये a और ये 0.28. Only the thing is that A should be on negative side. So Z, A is equal to what? Minus 0.28. Understood? पक्का? समझ में आ रही बात? चलो आगे बढ़ते हैं फिर. Next, P of Z greater than A is उन्होंने दिया हुआ है वैल्यू आई ऑफ 0.1 इज इक्वल टू 0.96. ट्राई टू सॉल्व दिस. ए कितना होगा, गुड. टू
गाव म्हणजे तू घरून इथे फक्त ऑफलाईन क्लासेस साठी आली का? बापरे, कुठली असतो प्रॉपर? अच्छा तिथलीच आहेस का? पण तिकडची सर, पण तिकडची सर. मी ऍक्च्युली तिथे म्हणजे आता मी लहानपणापासून इथंच आहे, लाईक ज्युनियर ज्युनियर के जी पासून इथंच आहे. पण म्हणजे आमचं मेन नेटिव्ह प्लेस तिकडच आहे, अहमदनगरला पारनेर तालुका म्हणून. सरांच्या जवळच आहे तिथेच. हा सर, हो का? तुम्ही पण तिकडचे आहेत की काय? हा जवळ जवळ आहे ते, बरोबर. मला एवढं काहीच माहित नाही, मला खरंच काहीच माहित नाही मला तिथे काय काय. हो हो हो, बरोबर. म्हणजे आमच्या ओळखीचे एक होते जुन्नरचे, ते ते म्हणजे असं म्हणायचे लाईक जवळ आहे असं. हो का? माझे एक म्हणजे माझी माझा भाऊ आहे, त्याची बायको पण राहुरीचीच आहे. हो म्हणजे कझिन आहे. अरे सगळेच निघाले का पारनेरच्या जवळ? तू तुझ्या गावचा आहे का? म्हणजे आमचं, मी आता इथेच आहे पण आमचं सगळे जमीन वगैरे काय पुणेवाडी ना. अरे तिथली माझी माझी मम्मी म्हणजे माझ्या मामाचं घर तिकडचं आहे, पुणेवाडीचं. पुणेवाडीला माझ्या मामाच्या म्हणजे माझ्या मामाचं गाव येते. चलो, सगळेच नगरचे आहेत का इथं? जवळ नगरच्या जवळचे नगरचे सगळे. चलो, पी ऑफ झेड ग्रेटर दॅन ए इज व्हॉट? 0.46. ठीक आहे, सो इट शुड बी पॉझिटिव्ह वन. दिस इज व्हॉट? पी ऑफ झेड लेस दॅन 0.1 इज व्हॉट? 0.96. दिस इज 0.1. So less than means this one. Kitna hai phir ye? 0.96. 0.96 mein se 0.5 subtract kiya. Kitna aaya phir ye reason? 0.46. Hai na? Ye reason kitna aaya apne paas? 0.46. All right. Ab next. Ab dekhte hai yahan pe. दो केसेस है मेरे पास. एक तो यहां पे आ सकता है या फिर यहां पे आ सकता है. अगर ए यहां पे आया तो ये रीजन 0.5 से बड़ा हो जाएगा ना. आई डोंट वांट. अगर ए यहां पे आया तो ये रीजन 0.5 से छोटा है. सही है. कुछ गड़बड़ है क्या? आई के वैल्यू में कुछ गड़बड़ है क्या? ही होना चाहिए ना. सही है. ओके, तो ये रीजन जो है इसमें अपन को इंटरेस्ट है. तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन ए इज हाउ मच? 0.46 है ना. ये क्या है? 0.46. तो ये वैल्यू क्या हो गया फिर? 0.5 माइनस, गड़बड़ है कुछ तो. कितना हो गया फिर ये? 0.04 आया ना ये काइंड ऑफ. हाँ, तूने सिर्फ वो पॉजिटिव मैंने तभी समझ लिया कि तू फक्त ते डायग्राम वरून काढ लिस. बट 0.04 आ रहा है ना, ये कुछ तो मिसमैच हो रहा है यहाँ पे आंसर्स में. 0.04. हाँ, ये 5.4 होना चाहिए. सॉरी, शुड बी 5.4. तो फिर ये 5.4 माइनस 0.5 बिकम्स 0.04. अब मैच कर रहे देखो. पी ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 लेस देन 0.1 इज 0.04. ठीक है,
0.04 ना, और ये भी मैच कर रहा है 0 to A एंड 0 to 0.1, सो इट शुड बी पॉजिटिव 0.1. ठीक है, ओके. देख लो जरा, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो. तुम्हें सगळे कॉमर्स से होते ना म्हणजे पाटी मागची जर माहिती आहे कॉमर्स, तुम्ही सगळे कॉमर्स ला होते म्हणजे 12th पर्यंत तिकडे होते का कुठे होते? गावाकडे होते. तुझं 12th पर्यंत अरे 10th स्टँडर्ड के एग्जाम में वो लोग बोर्ड पे लिख के देते व्हाट्स. हाँ, बोर्ड वर टीचर लोकांनी लिहून दिलेले आन्सर्स कित्येक गावांमध्ये. हा, आता सगळा प्रॉब्लेम होतोय. आयतं मिळालेलं कधीच पचत नाही. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. पी ऑफ झेड ग्रेटर देन ऑर इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0.695. चलो, और वैल्यू जो है वो दिया हुआ है तुम लोगों को. P of 0 to 0.51 is equal to 0.195. बताओ. माइनस आ रहा है. गुड. चले आगे. तो ये क्या है, दो पॉसिबिलिटीज अपने पास. अगेन आई एम हैविंग टू पॉसिबिलिटीज. ए यहाँ पे आ सकता है या फिर ए यहाँ पे आ सकता है. जेड ग्रेटर देन ए मतलब ये रीजन, जेड ग्रेटर देन ए मतलब ये रीजन. तो कहाँ पे 0.695 पॉसिबल है? यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है कि लेस देन 5 आएगा, लेस देन 0.5 आएगा आंसर. तो यही पे पॉसिबल है. ये टोटल कितना है? 0.695. उसमें से 0.5 को हटा दो. 0.5 को हटा दिया, 0.195 है ना. तो ये हो गया 0.195 which is matching with 0.51 है ना. 195. So A is how much? Minus 0.5 है ना, because it is on left hand side. ठीक है, नेक्स्ट. अब बस माइनस प्लस बता दो मुझे क्या है. माइनस आएगा कौन से साइड में आएगा फिर? वो लेस देन ही बोला है ना उन्होंने, माइनस आएगा. पॉजिटिव आएगा ना, लेस देन है ना ये. तो ये रीजन तो नहीं चलेगा मुझे, क्योंकि वो 0.5 से छोटा आएगा. तो लेस देन ए मतलब ये रीजन चल जाएगा. इट इज व्हाट, 0.89 ये पॉसिबिलिटी है. तो क्या आ जाएगा? -0.23. इट हैज टू बी A should be equal to what? -1.2. ठीक है, next. P of Z greater than A is equal to, sorry, plus 0.21, and they have given to you as आएगा माइनस प्लस.
माइनस ये ए है यहाँ पे और ये ए है यहाँ पे. जेड ग्रेटर देन ए मतलब कौन सा रीजन? ये रीजन. जेड ग्रेटर देन ए मतलब कौन सा रीजन? ये रीजन. ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं क्योंकि यहाँ पे 0.5 से बड़ा वैल्यू आएगा तो ये पॉसिबल नहीं है. ये क्या है? 0.5 से छोटा वैल्यू, तो ये सही है. तो क्या आएगा फिर? प्लस. So a should be equal to plus 0.5. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. p ऑफ z ग्रेटर देन a इज इक्वल टू 0.69 एंड चलो ठीक है माइनस प्लस बता दो बस. माइनस या प्लस? माइनस. दिस इज ए एंड दिस इज ए. जेड ग्रेटर देन ए मतलब जेड ग्रेटर देन ए तो ये होगा ना पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं है. ए शुड बी व्हाट? नेगेटिव. समझ में सब कुछ? अभी अपन ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए मॉड्यूल में? सिर्फ एक क्वेश्चन इस टाइप. ओके तो इसका एक्चुअली पूछते बहुत कम क्वेश्चन है लेकिन ये करना पूरा पड़ता है अपन तो वहां से बहुत ये टॉपिक. चलो क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने नीचे. If area of standard normal curve between z is equal to 0 to z is equal to 1 is 0.3413, find the value of phi of 1. Chalo. जीरो पॉइंट करेक्ट. आज ऑनलाइन में से कोई आंसर्स नहीं आ रहे. जनरली उधर से आंसर करते हैं लोग. आज कोई आंसर नहीं कर रहे. चलो क्या है? इफ एरिया ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बिटवीन जेड इज इक्वल टू 0 टू जेड इज इक्वल टू 1 इज 0.3413. मतलब हमें ये वैल्यू दिया हुआ है जेड इज इक्वल टू 0 टू जेड इज इक्वल टू 1. ये वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.3413. ओके और क्या पूछा उन्होंने? फाई ऑफ 1. फाई ऑफ 1 क्या होता है? जेड लेस देन 1 ना. तो ये क्या हो जाएगा फिर? ये 1 है, ये रीजन हो गया. कैसे फाइंड आउट करेंगे रीजन? 0.5 प्लस 0.3413 कितना हो गया? अंडरस्टूड? अब वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके अब थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट शुरू हो रहा है. वर्ड प्रॉब्लम्स एक्चुअली डिफिकल्ट है. To find probability distribution from given word problem, okay. Certain type of wooden beam has a mean breaking strength of 1500 kg. Mean breaking strength, मतलब क्या दिया हुआ है देखो. Type 12 है ना. Mean breaking strength, मतलब क्या दिया हुआ है उन्होंने?
म्यू वैल्यू इज गिवन टू कितना 1500 केजी, मीन बोला है ना, सो म्यू वैल्यू इज गिवन टू यू. द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 केजी, सो सिग्मा इज व्हाट 100 केजी. फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ब्रेकिंग स्ट्रिंग लाइज बिटवीन व्हाट 1450 टू 1600. मतलब हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लाइंग बिटवीन 1450 एंड 1600. तो मैंने एक्स क्यों लिया बाय द वे, जेड क्यों नहीं लिया? झड़ के लिए क्या कंडीशन होता है? म्यू शुड बी जीरो, सिग्मा शुड बी वन. एम आई हैविंग सिग्मा वन? एम आई हैविंग मीन जीरो? नो, सो व्हाई शुड आई टेक जेड? ओके, अंडरस्टूड. तो जेड यहाँ पे नहीं आएगा, बस एक्स आएगा. आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. Z is equal to, क्या होता है? इसको complete expression को Z में convert करना है, क्योंकि एक correction कर लो notes में, minus 0.5 to 0 के बीच में X दिया है ना, make it Z. ठीक है, पहला जो है A, वो given data है, that is given to you. क्या दिया हुआ है तुम लोगों को? minus 0.5 Z to 0 is given to you as 0.1915 and 0 to 1 is given to you 0.3413. ठीक है, तो ये दिया हुआ है. अब देखो, अब आगे बढ़ते थोड़ा सा. x का जो रेंज है 1450 to 1600. अब जो z है, z is what? x minus mu upon sigma. तो मुझे उसको z में कन्वर्ट करना है. तो पहले लोअर लिमिट जो है 1450 उसको z में कन्वर्ट करते हैं. ये x का रेंज है ना, मुझे उसको z में कन्वर्ट करना है. तो उसका जो लोअर लिमिट है उसको मैं z में कन्वर्ट कर दूंगी. तो z is equal to what? 1450 minus mu is what? 1500. Sigma is what? 100. How much is this? Minus 15 upon 100 is equal to minus 0.5. So x is equal to 1450 corresponds to z is equal to minus 0.5. समझ में आ रही बात? X is equal to 1450 corresponds to z is equal to minus 0.5. Then x is equal to 1600 लेते हैं. X is equal to 1600 corresponds to z equal to what? 100 upon 100, which is 1. ठीक है? Any doubt? So x is equal to 1450 corresponds to z is equal to minus 0.5. x is equal to 1600 corresponds to z is equal to 1. तो ये जो रेंज है, ये रेंज कन्वर्ट हो गया अभी अपना z के टर्म्स में. ये जो रेंज था, कन्वर्ट हो गया z के टर्म्स में, which is minus 0.5 to. बताओ फिर मुझे इसका आंसर. ये फाइंड आउट कर सकते हो तुम लोग, पहले क्वेश्चन में तो वही किया अपन ने. चलो बताओ जल्दी क्या आएगा फिर. Correct.
यस। सो क्या है फिर ग्राफ, क्या बताता है अपना? माइनस 0.5 इज हियर, 1 इज हियर, दोनों के बीच का वैल्यू। सो यहां से यहां तक क्या है फिर वैल्यू? 0.1915 और 0 से 1 तक क्या है वैल्यू? 0.3413। दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया? 8, 2, 13, 0.5328। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। The heights of group of soldiers were found to be normally distributed with the mean 66 inches and standard deviation 5 inches. What is probability that a height of specific soldier is greater than 6 feet, between 70 and 75 inches? Now, whenever there is a question of feet, I will have to convert what feet to inches or inches to feet, jo bhi hai. Toh 6 feet bola hai unhone, toh 6 feet matlab inches kitne hota hai? 1 feet is equal to 12 inches. 1 foot is equal to 10, 12 inches. So, question number 2. Mean kya diya hua hai? 66. And standard deviation kitna diya hua hai? 5 inches. Na? So, yes, yahan pe unhone... चलो ठीक है, टेबल वैल्यू मुझे बताना पड़ेगा तुम लोगों को। चलो गिव मी द वैल्यूज। पी ऑफ 0 to 2, तुम कोशिश करो अभी, हाँ तुम्हें ट्राई करना है, मैं वैल्यूज दे देती हूँ तुम लोगों को झेड़ के, तुम लोग ट्राई करो। क्या डबल जीरो? अच्छा 1.2 ना, 0.81 का। अच्छा ओके, मुझे कर 1.6। चलो अब कोशिश करो फास्ट। पहले क्या, पहला क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने? प्रोबेबिलिटी दैट उसका हाइट जो है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 6 feet, तो 6 feet को इंचेस में कन्वर्ट कर दो, विच इज व्हाट? 1 feet, 1 foot होता है एक्चुअली, वो सिंगुलर उसका 12 इंचेस, तो कितना हो जाएगा फिर ये? 72 ना। ठीक है, 72 inches। अटेंड कर रहा है आज? संतोष भी नहीं है आज, नहीं तो संतोष क्या आंसर आता है? चलो ट्राई टू कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ जेड।
इंचेस में दिया है ना वो भी। आया कुछ आंसर? ग्रेटर देन 6 फीट बोला है ना उन्होंने, तो क्या हो जाएगा फिर? एक्स को जेड में कन्वर्ट करो, एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स सॉरी जेड इज इक्वल टू व्हाट, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जेड इज इक्वल टू एक्स इज व्हाट 72, म्यू इज व्हाट 66 इंचेस, ये सिग्मा आया 60 अपॉन सिग्मा इज व्हाट 5, अच्छा 5 है क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, कितना है फिर ये 6/5 मतलब 1.2। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है फिर, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन सॉरी जेड ग्रेटर देन 1.2, एक्स ग्रेटर देन 72 मीन्स व्हाट, जेड ग्रेटर देन 1.2। तो यस क्या है फिर ये देखो, ये 1.2 है, ये फाइंड आउट करना है ग्रेटर देन 1.2। तो टेबल वैल्यू मतलब 0.5 में से इस रीजन को माइनस करना पड़ेगा, तो ये रीजन कितना है फिर, दे हैव गिवन टू यू 0.3849, ये रीजन कितना है 0.3849, 0.5 में से माइनस करो उसको। चलो अगला क्वेश्चन बताना है अभी मुझे विदाउट एनी मिस्टेक, बिटवीन 70 and 75 इंचेस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड 70 and 75 inches. Point 7881 9 वेगळा आंसर
1760 है। जेड के वैल्यूज कितने हैं? 70 एंड 75 पे जेड इज हाउ मच? जेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना उसको, कितना आया फिर वो? x इज इक्वल टू 70 को पहले जेड में कन्वर्ट करो। जेड इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो x कितना है फिर अपने पास? 70। माइनस म्यू कितना था? 66 अपॉन 5। और ये कितना आया फिर? ये 4 ना, 4 बाय 5। तो कितना आया जेड? 0.8। ठीक है ना। तो अब x इज इक्वल टू 75, that is equal to x minus mu upon sigma, फिर से लगाओ। x को जब z में convert करना रहता है तो ये चीजें लगानी है। x is equal to 75 minus mu, mu is what? 66 upon sigma is what? 5. So how much? Minus 9. Minus 9 by 5. How much is this? 1.8. Minus 1.8. All right. अब इसका conversion z में हो गया, which is 0.8 से लेके माइनस 1.8। माइनस नहीं है थे? सॉरी प्लस 1.8। ओके, नाउ ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे दोनों, क्या होगा टेबल वैल्यूज का? क्या होगा? ये 1.8 है यहाँ पे और ये 0.8 है यहाँ पे, हमें इन दोनों के बीच का वैल्यू चाहिए ना। क्या करोगे फिर? ये पूरा 1.8 और ये पूरा 0.8, 1.8 में से 0.8 सबट्रैक्ट कर दो। कितना आया फिर? 1.8 में से 0.8 सबट्रैक्ट कर दो। 1.8 इज हाउ मच? कितना दिया हुआ है मैंने? 41। और 0.8 कितना दिया हुआ है? 0.2881। कितना आता है फिर? 0.1760 आना चाहिए था। यस, नेक्स्ट। बिटवीन 55 एंड 62, चलो ट्राई टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन। कितना है आंसर? पॉइंट 198। परफेक्ट। बीच के तो कर लोगे ई सी एंड डी, विल यू बी एबल टू ट्राई इट एज अ होमवर्क? ठीक है ना, एज अ होमवर्क ट्राई करो उसको। सिंपल है क्योंकि यार वो
ठीक है, आया क्या आंसर? हाँ नहीं आया ना. x is equal to 55 मतलब z is equal to what? Z is equal to what? X minus mu upon sigma. So x क्या है? 55 ना. Mu क्या है? Mu क्या था? 66 upon sigma was 5, which is minus 11 by 5. तो वो कितना आता है फिर? 2.2 minus 2.2 that is. उसके बाद x is equal to 62 आया फिर. z is equal to 62 minus 66 upon 5, which is minus 4 by 5, which is minus 0.8. Understood? तो जो तुम्हारा z है वो किसके बीच में होगा? minus 2.2 and minus 0.8 ना. तो देखो फिर, ये है माइनस 2.2 और ये है माइनस 0.8. दोनों के बीच का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है. क्या करना पड़ेगा? ये वैल्यू 2.2 का वैल्यू माइनस 2.2 का कितना वैल्यू है? 0.4861 दिया हुआ है ना मैंने. माइनस 0.8 का कितना वैल्यू है? 2881. सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आता है फिर? 0891. ओके नेक्स्ट. लेस देन 58 इंचेस. चलो ट्राई टू सॉल्व दिस. करेक्ट. Got the answer? क्या है फिर? देखो 58 inches ना, मतलब I want to find out probability of x less than 58. तो इस x को z में convert करो. x is equal to 58 तो z कितना हो जाएगा? z is equal to x minus mu upon sigma. x कितना है? 58 minus mu कितना है? 66 upon sigma कितना है? 5. कितना है फिर ये? 12 ना. माइनस 66 8 हुआ. सही है ना? 58 एंड 8 होता है ना. 66 माइनस 8 कितना हुआ फिर ये? 1.6 ना. 2 नहीं आएगा. तो क्या करना है फिर हमें? z less than minus 1.6 find out कर. okay. तो बनाओ फिर डायग्राम. minus 1.6 यहाँ पे आता है, ये find out करना. तो कैसे करोगे? 0.5 minus given value. 0.5 ये total होता है. 0.5 minus वो value क्या है बताओ?
0.349 नहीं है रे, 1.6 का वैल्यू देखो ना मैंने दिया हुआ है, 0.445 जिस 0.0548 अंडरस्टूड. So this is less than 58 inches. And what about next? Correct. P of x greater than 66. 66 क्या है? Mu है ना? तो ये simple है ना, फिर calculate करने की भी कोई जरूरत नहीं है. Mu is what? 66. तो greater than 66.5 होता है ना. This is what mean. So probability of x is equal to probability of x greater than mean is what? Point. So understood? Any doubt? Kuch problem ho to bolo. Abhi agla question jo hai na exactly same hai. Kuch bhi difference nahi hai. But usko ek difference hai wahan pe. Usko us difference ko kaise manage karoge? Batao. Padho pehle question padho. Bas ek wahan pe cheez unhone boli hai. इन परसेंट पूछा है उन्होंने, है ना. फाइंड द नंबर ऑफ पीपल बिलो आर एक्सपेक्टेड टू हैव इनकम इन परसेंटेज एंड नंबर ऑफ पीपल. एक्चुअली वो थोड़ा आगे का नंबर ऑफ पीपल हटाना चाहिए. बेसिकली तुम्हें क्या करना है, परसेंटेज में नंबर ऑफ पीपल फाइंड आउट करना. जैसे कि मान के चलो यहाँ पे तुम लोगों को पूछा होता इस क्वेश्चन में, परसेंटेज पूछा होता, परसेंटेज ऑफ पीपल विद हाइट less than 58 inches. ऐसे पूछा होता सपोज, less than 58 inches. तो क्या करते थे तुम लोग, परसेंटेज ऑफ पीपल, तो इसको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना, बाकी सब कुछ सेम, एवरीथिंग इज सेम. ठीक है, एक क्वेश्चन करोगे सॉल्व, जो बताओगे करेक्ट आंसर, एक क्वेश्चन सॉल्व करो एटलीस्ट, फर्स्ट वाला ग्रेटर देन 900 वाला सॉल्व करके बताओ पूरा. अच्छा टेबल का वैल्यू चाहिए ना, एक्चुअली वो अभी मेरे पास भी नहीं है, टेबल देखना पड़ेगा, टेबल के वैल्यूज लगेंगे ना तुम लोगों को. ठीक है, काम करते मैं ग्रुप पे भेज देती हूँ टेबल के वैल्यूज बाद में, कि मैं मुझे भी वो टेबल देखना पड़ेगा कहाँ पे है, घर में है वो टेबल लेकिन ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा. ठीक है, अगला क्वेश्चन करोगे, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं. ठीक है, बल्ब्स वाला. हाँ श्रद्धा, थक गए सॉल्व करके क्या? अभी ठीक है ना, अभी मैथ सीधा कल भी होगा तुम्हारा मैथ्स, कल पर ऑनलाइन होगा, मतलब लॉजिकल और सब कुछ ऑनलाइन होगा. 1000 लाइट बल्ब्स विद मीन लाइफ ऑफ 120 डेज आर इंस्टॉल्ड इन ए न्यू फैक्ट्री, देयर लेंथ ऑफ लाइफ इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद एसडी ऑफ 20 डेज, हाउ मेनी बल्ब्स विल एक्सपायर इन लेस देन 90 डेज. क्या पूछा उन्होंने, क्या क्या दिया हुआ है बेसिकली, पहले ये बताओ व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में से क्या क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, म्यू इज गिवन टू यू, हाउ मच इज दैट, 120, स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन टू यू 20, ऑलराइट. ठीक है, और पूछा क्या है, हाउ मेनी बल्ब्स विल एक्सपायर इन लेस देन 90 डेज, तो पहले मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना. ठीक है, तो चलो फिर फाइंड आउट करो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 90, ट्राई टू सॉल्व इट.
टेबल वैल्यू लगेगा ना. टेबल वैल्यू ले लो पी ऑफ जेड ग्रेटर देन जीरो लेस देन 1.5 इज इक्वल टू 0.4332. क्वेश्चन नंबर बी हटा दो, जरूरत नहीं उसकी, उसको कट करना है. क्वेश्चन नंबर बी को हटा दो. कितना आया? 0.66 0668. करेक्ट. सो कितना आ रहा है फिर? लेस देन 90 ना. तो क्या बोलेंगे फिर अपन यहाँ पे? x इज इक्वल टू 90 करस्पॉन्ड्स टू व्हाट? इट इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. x इज व्हाट? 90. माइनस म्यू इज व्हाट? 120. सिग्मा इज व्हाट? 20. हाउ मच इज दिस? 3/2 माइनस 3/2, सो इट्स माइनस 1.5, है ना. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन माइनस 1.5, तो क्या हो जाएगा? माइनस 1.5 वुड बी हियर, लेस देन माइनस 1.5. तो 0.5 में से इसका टेबल वैल्यू माइनस कर दो. क्या है फिर? 0.5 में से 0.4332 0.066. समझ में आया ना? ओके. यस, बी बी क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड हो इतना नहीं, मतलब ये नहीं पूछेंगे. तो ये तक ठीक है. सो क्या क्या बचता है फिर अपना इसमें? अभी फाइंड म्यू एंड सिग्मा वाला टाइप एक है, ये क्वार्टाइल्स वाला एक टाइप है. ओके, हो जाएगा ये. और मे बी आज क्या है? आज फ्राइडे है ना, कल का एक क्लास, फिर मंडे ट्यूसडे, मे बी ट्यूसडे तक हो जाएगा. दो दिन लगेंगे अभी और. फिर उसके बाद अपना क्या क्या बचता है? इंडेक्स नंबर्स बचता है, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस बचता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बचता है. तीन टॉपिक्स बचते हैं मतलब. और स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन डेटा, वो तो पूरा थ्योरी है. ठीक है. यस यस यस, अभी अपलोड कर दूंगी, घर पे पहुंचने के बाद अपलोड कर देती हूँ. ठीक है, इस लेक्चर तुला दाखो तुम्हें काय ते कस काय सिक्वेन्स बघ इकडे.